नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। कौशाम्बी जनपद में ग्राम रोजगार सेवक संघ ने सरकार से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सेवक संघ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को घोषणा पत्र भेजा, जिसमें पहली मांग ग्राम रोजगार सेवक एवं मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं के आदेश जारी किए जाएं। ग्राम रोजगार सेवकों के मूल ग्राम पंचायतों के साथ साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए। कोविड-19 के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटनाओं, आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए। राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त व अन्य निधियों में श्रमिकों का भुगतान मनरेगा से किया जाए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अभिसरण हेतु 2016-17 में शासनादेश भी जारी किया गया है। ईपीएफ कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यूएन खाते में भेजी जाए। अनुमोदन से विरक्त रोजगार सेवकों का अनुमोदन करवाते हुए ग्राम पंचायतों में योगदान दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पूर्व वित्तीय वर्षों में बकाया मानदेय भुगतान हेतु निर्देश जारी कराया जाए। बिल वाउचर मास्टर रोल पर अनिवार्य हस्ताक्षर व श्रमिकों की डिमांड ग्राम रोजगार सेवक से ही लिया जाए। प्रत्येक माह प्रदेश स्तर, जनपद स्तर पर समस्याओं के निस्तारण हेतु बैठक की तिथि निर्धारित की जाए। रोजगार सेवक संघ ने अपने ज्ञापन में दर्शाया कि वर्तमान में 7,788 रुपए मानदेय मिल रहा है, परंतु 2,218 रुपए विगत 10 माह बाद भी ईपीएफ के यूएएन खाते में जमा नहीं किया गया है, जिससे किसी भी मनरेगा कर्मी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि 31 मई 2022 को पत्रांक संख्या 1086 ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए। कौशाम्बी जनपद के विकास कनकड़ा में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर ग्राम रोजगार सेवक संगठन ने अपने साथियों सहित खंड विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी महोदय को बताया है कि रोजगार सेवकों का ईपीएफ का मुद्दा कम से कम 2.5 साल से लंबित है। इतना ही नहीं, लंबित ही नहीं बल्कि 2.5 वर्षों का लाखों रुपए ईपीएफ का पैसा ग्राम रोजगार सेवकों को कटा है और आज तक ग्राम रोजगार सेवकों की इसकी कोई जानकारी भी नहीं हो पा रही। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों के साथ कोई लंबा ईपीएफ घोटाला होने वाला है। अतः मैं अपनी संगठन की ओर से इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि ईपीएफ मुद्दे पर तत्काल आप संज्ञान लेते हुए हमारे जितने भी महीनों की ईपीएफ कटे हैं उन सब पैसों को हमारे यूएन नंबर पर जमा कराने की कृपा करें तथा 4 अक्टूबर 2021 को एक्सपो मैदान लखनऊ में आपके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं आप संबंधित अधीनस्थ से तत्काल लागू करवाएँ। पूजनीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपका रोजगार सेवक संघ कम से कम 38,000 साथियों के सहित आपका जीवन पर्यंत आभारी रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।